ऐसे तरीके से टच देना कि अगर ये कभी भी कोई फोटो खींचे इट हैज टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, पिक्चर फ्रेम लगना चाहिए. घर बनने में टाइम लगता है. स्लोली स्लोली आपको भी पता चलेगा कि मैं घर किस टाइप का और कैसे टेस्ट का बना रही हूँ. हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग ऑल द वीडियोस दैट आई एम अपलोडिंग. एंड जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट आज मैं आपको अपना घर बताने वाली हूँ. लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कौन सी है वो जगह जहाँ पर मैं वो फ्लैग और वो मेरे यहाँ से कार पार्किंग दिखती है, मून एंड यू नो सन और वो सारे फोटोज और वीडियोज डालते रहती हूँ. सो फाइनली आई एम शेयरिंग द प्लेस. दिस इज माई न्यू हाउस जो पूरी तरह से बना नहीं है. घर बनने में टाइम लगता है. हर एक ने अपने अपने घर को लेके एक ड्रीम तैयार किया हुआ होता है, तो वैसे ही मैं भी अपने घर के लिए बहुत सारी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि वैसा ही बने जैसा हमने सोचा है. अब हम का मतलब है कि मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूँ, हम छह लोग हैं और हम छहों के इतने इतने ओपिनियन हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट वो उन सबको इकट्ठे लाते हैं हमारे जो इंटीरियर डिजाइनर है बॉबी, कृपा एंड शुभम. बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए. एट टाइम्स इवन आई गिव देम हार्ड टाइम, बट देन यू नो व्हेन आई रियलाइज दैट मुझे रहना है तो दे आर द वन हु सेड दैट कि टेक योर टाइम. आपको जो पसंद आता है आप वही लो, क्योंकि आपको इस घर में रहना है, आप बार बार काम नहीं कराने वाले हो. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड देखते हैं घर कैसा बनता है. बट राइट नाउ दो वी आर स्ट्रगलिंग विद द एक्सेसरीज दैट ऑल वी वॉन्ट रिलेटेड टू किचन एंड माई वॉशरूम एंड द लाइट्स एंड ऑल. एंड जो थोड़ा बहुत मिलना शुरू हुआ है उससे हमने काम करना शुरू किया है. द स्क्रैच वी हैव स्टार्टेड एंड स्लोली स्लोली आपको भी पता चलेगा कि मैं घर किस टाइप का और कैसे टेस्ट का बना रही हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस घर में करने वाली हूँ. बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी यू नो जब मेरे घर का इंटीरियर बन रहे थे मेरे पास टाइम नहीं था एंड मैं उतना ध्यान भी नहीं दे पा रही थी. तो लास्ट हाउस विच आई हैड उसमें मेरा बेडरूम एंड माई किचन एंड माई लिविंग रूम एंड माई वॉशरूम कुछ मैच नहीं होता था और मैं ध्यान नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ दैट. My house used to look very messed up, but this time maybe it's because of COVID or maybe because of my family member, things are more easy and sorted now. Teen log hai jo alag alag vision leke chal rahe, and my brother is very specific that every corner has certain kind of detailing. You know, वो फोटो में आए तो बहुत अच्छा लगना चाहिए. हर वॉल को एक ऐसे तरीके से टच देना कि अगर ये कभी भी कोई फोटो खींचे इट हैज़ टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, पिक्चर फ्रेम लगना चाहिए. माई भाभी वॉज लाइक मेरा घर ऐसा लगना चाहिए कि अगर कोई आए तो दैट पर्सन शुड फील दैट ओ वाओ घर हो तो ऐसा. और मेरा ये कहना था कि मुझे ऐसा घर बनाना है कि जहाँ पर आप घर में आओ, घर के अंदर घुसो, आप अपनी सारे स्ट्रेस भूल जाओ. And then you know when you get up and next day morning when you leave it, you should be very charged up. तो बहुत सारी demand थी, बहुत सारे thoughts थे, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी. तो हम लोग कुछ 5-6 interior decorators से मिले, interior designers से मिले. And then one of my very closest friend Richa, she is the one who recommended that you know you should meet Shoaib. Shoaib's name is a Bobby, common name. He's from Rajasthan. तो राजस्थान में बहुत सारे bungalows थे. तो मैंने आई एक्चुअली saw his page. I was quite impressed. मेरा जो personally choice जो रहता है that is always you know very contemporary style. And अगर वो नहीं तो मुझे बहुत unfinished, unpolished चीज़ें पसंद है. तो ये दो चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी कि दोनों में से कोई भी एक थीम आप चूज करो, बट जस्ट मेक श्योर दैट कि इन फ्यूचर इफ आई गेट समथिंग फ्रॉम इन माय हाउस इट शुड फिट इन वेल एंड इट शुड गो विथ माय इंटीरियर वेरी वेल, दैट ऑफ ना लगे. तो उन्होंने जब मुझे डिजाइन दिया आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड.
एंड माय मदर इज़ वेरी रिलीजियस. उन्होंने किसी चीज़ में कुछ नहीं कहा, बट एक चीज़ में वो बहुत क्लियर थी कि जब हम लेते हैं तो हमारे यहाँ पर वास्तु शास्त्र के हिसाब से देवी देवता का स्थान और सोने की जगह, ये दो चीज़ों में वो बहुत क्लियर थी कि ये जैसी होगी वो जैसे मैं बोलूँगी वैसा होना चाहिए. एंड फिर हमारे गुरुजी आए एंड ही गेव द राइट डायरेक्शन फॉर एवरीथिंग एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड आवर इंटीरियर. फ्लोरिंग का काम करते वक्त हमें इतना ध्यान रखना था कि आजकल बॉम्बे में तीन चीज़ें बहुत कॉमन है. एक तो सीपेज की इशू होती है और टर्माइट इशू एंड वाटर प्रूफिंग. जब आप करवाते हो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि नीचे के घर में कोई आपके वजह से प्रॉब्लम ना हो नियर इन फ्यूचर. तो इन सारी चीज़ों का हमने ख्याल किया. तो तब आई हैव फ्यू पिक्चर्स, आई विल शेयर दोज पिक्चर इन माई नेक्स्ट वीडियो. बट जब हमने सारा फ्लोरिंग निकाल दिया था और सारा काम करना शुरू किया था तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा था, बट फाइनली ऑल द कड़िया काम इज़ डन. या एवरीथिंग इज़ डन एक्सेप्ट माई वॉशरूम एंड द किचन. बाकी सारा काम जो है कारपेंट्री का वो तो आप देख ही रहे हो. तैयारियाँ बहुत तेज़ चल रही है. मुझे ऐसे लग रहा है नहीं नहीं करके भी जुलाई एंड या मिड अगस्त तक I'll show you my house properly and I know that you're going to love it. But in between definitely I'm going to show you that ke ghar banate waqt kya kya hame kis kis cheezon ka khayal rakhna chahiye. To definitely but har ek ka apna apna ek tarika hota hai kam paison mein zyada kaise paaye. Theek hai, to wo sari cheeze bhi main koshish karungi. So you can you know try it and you're going to love it for sure. So till then, see you, bye bye, keep loving me like this, stay safe, stay healthy and help each other.